हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिल्डिंग मटेरियल के ब्रिक यूनिट का कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसको कराया था। हम आज और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन द वाटर बिफोर इट्स यूज। कौन सा है जो करेक्ट रीजन है ब्रिक को, जो हम वाटर में डुबा करके रखते हैं, उसको यूज करने से पहले उस किसके लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक्स, फॉर रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स, फॉर रिड्यूसिंग इफ्लोरेसेंस, फॉर क्लीनिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक। हमारा जो मोर्टार से जो मॉइस्चर है वो ब्रिक एब्जॉर्ब ना कर ले, इसीलिए उसे पहले हम वाटर में डुबा करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज टू रेसिस्ट। रिफ्रैक्टरी ब्रिज का जनरली यूज किया जाता है हमारा हाई टेम्परेचर की जगह पर, हमारा यूज किया जाता है रिफ्रैक्टरी ब्रिज। जहाँ पर हमारा हाई टेम्परेचर का कार्य होता है वहाँ पर रिफ्रैक्टरी ब्रिज का, हम रिफ्रैक्टरी ब्रिज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। कितना परसेंट हमारा सिलिका होता है गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ में? तो हमारा परसेंटेज ऑफ सिलिका 50 से 60% होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक। कौन सा डिफेक्ट है जो हमारा एल्कलीज प्रेजेंट रहेगा तो ब्रिक में आता है? तो हमारा इफ्लोरेसेंस है, जो एल्कलीज प्रेजेंट रहता है ब्रिक में तो आता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज। कौन से प्रोसेस में हमारा पग मिल उपयोग किया जाता है? तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले के प्रिपरेशन में हमारा पग मिल का उपयोग किया जाता है। जब हम टेम्परिंग करते हैं तो उपयोग करता है। तो टेम्परिंग किस में आता है? तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में ही आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक्स। कौन इसमें से कौन है जो मेन रीजन है ब्रिक पर फ्रॉग प्रोवाइड करने का? तो प्रिंट मैन्युफैक्चरर नेम, बी ऑप्शन फ्रॉम कीड ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन, रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, फ्रॉम कीड ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। इसमें से कौन सा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्यूमिना का ब्रिक अर्थ में? तो हमारा एल्यूमिना है जो हमारा ब्रिक अर्थ को प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेंटेन प्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रेजेंट द नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। हमारा नॉमिनल साइज मॉडुलर ब्रिक का क्या होता है? 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एमएम में पूछ रहा है, तो 200 × 100 × 100 एमएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक कॉज ड्यू टू। इफ्लोरेसेंस ब्रिक में किसके कारण आता है? एक्सेस बर्निंग ऑफ ब्रिक, हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन ब्रिक क्ले, हाई पोरोसिटी इन ब्रिक, प्रेजेंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन पेरेंट क्ले। तो हमारा प्रेजेंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा एल्कलीज के कारण हमारा ब्रिक में इफ्लोरेसेंस आता है, और जो सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट रहता है उसके कारण ब्रिक में इफ्लोरेसेंस आता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट आर यूज, बीच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट आर यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। कौन सा इसमें से टेस्ट है जो यूज किया जाता है टाइल्स को टेस्टिंग करने के लिए? पहला है ब्रेकिंग टेस्ट, दूसरा है इम्पैक्ट टेस्ट, तीसरा है ट्रांसवर्स स्ट्रेन टेस्ट, चौथा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो ऑप्शन हमारा ए में है, ए एंड थ्री ओनली, बी में है 1, 2 एंड 3 ओनली, सी में है 1, 2 एंड 4 ओनली, तो डी में है 1, 2, 1, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो हमारा सारे टेस्ट है जो हमारा टाइल में किया जाता है,
यूज करने से पहले हम टाइल में टेस्ट करते हैं। तो मैं सारे टेस्ट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 36। हाउ मेनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसोनरी वर्क, कितने ब्रिक रिक्वायर्ड होता है 1 मीटर क्यूब में। तो हमारा 500 ब्रिक है जो रिक्वायर होता है 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसोनरी के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन द ब्रिक, इसमें से कौन है जो हमारा रेड कलर प्रदान करता है ब्रिक को। तो आयरन ऑक्साइड है जो हमारा रेड कलर प्रदान करता है ब्रिक को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक में के मैन्युफैक्चरिंग में हमारा टेम्परिंग उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बर्नड इन होफमैन किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से कौन है जो होफमैन किल्न में बर्न किया जाता है। तो होफमैन किल्न में हमारा ब्रिक बर्न किया जाता है। होफमैन किल्न है जो कंटिन्यूअस किल्न का एक टाइप है, होफमैन किल्न होता है, बुनलोज किल्न होता है, जो हमारा कंटिन्यूअस किल्न का टाइप होता है। तो उसमें क्या ब्रिक ही तो बर्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का कितना परसेंट रहता है गुड ब्रिक अर्थ में। तुम्हारा एल्यूमिना 20 से 30% प्रेजेंट रहता है गुड ब्रिक अर्थ में। द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन इन, जो हमारा डायमेंशन स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक का किसमें दिया जाता है। तो हमारा डायमेंशन है जो हमारा IS 6165-1971 में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक का डिवीजन इसी आई एस कोड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेन द डिपॉजिट ऑफ इफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10%, जब हमारा डिपॉजिट इफ्लोरेसेंस का 10% से अधिक है और लेस देन 50% और 50% से कम है, एक्सपोज एरिया ऑफ ब्रिक पर द प्रेजेंस ऑफ इफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज। तो हमें अब प्रेजेंस ऑफ इफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, तो मॉडरेट इफ्लोरेसेंस कहते हैं। जीरो रहता है तो नील कहते हैं, 0 से 10 तक रहता है तो स्लाइट कहते हैं, 10 से 50 रहता है तो मॉडरेट कहते हैं, और 50 से 70 के बीच में रहता है तो हैवी कहते हैं, और मोर देन 70 होता है तो सीरियस कहते हैं। यहाँ पर 10 से 50 के बीच का रहा है तो इसी कारण मॉडरेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन द परसेंटेज इन ए गुड ब्रिक अर्थ, हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारा मैक्सिमम परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है। तो मैक्सिमम परसेंटेज में हमारा सिल्का प्रेजेंट रहता है ब्रिक की अर्थ में, कितना रहता है 50 से 60% रहता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल द रेड कलर ऑफ क्ले ब्रिक इज, कौन सा मटेरियल है जो रेड कलर प्रदान करता है ब्रिक को। तो हमारा आयरन ऑक्साइड पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बर्नड क्ले ऑफ द क्लास 3.5 एज पर IS 1077-1992 इज, तुम्हारा जो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बर्न्ड क्ले ब्रिक का जिसका क्लास है 3.5 क्लास का, 3.5 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रॉम द फ्लोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक एज पर IS 10 1077-1992। तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक कितना होता है, तो मॉडलर ब्रिक का होता है 19x9x9 होता है, ऑप्शन नंबर सी। द डिफेक्ट इन विच व्हाइट पैचेज अपीयर, जो डिफेक्ट जिससे कि व्हाइट पैचेज अपीयर होता है ऑन द ब्रिक सरफेस इज नोन एज, तो उसे हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं। जो व्हाइट पैचेज अपीयर होता है ब्रिक पर उसे इफ्लोरेसेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग क्वांटिटीज विथ द टेस्ट दैट आर डन टू एसर्टेन दिस क्वालिटीज लिस्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिक इंक्लूड डिफरेंट क्लासेस। तो हमारा हार्डनेस है, तो हार्डनेस में क्या होता है, हार्डनेस नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रिक, इतना हार्ड होना चाहिए कि हमारा कोई इम्प्रेशन हमारा ब्रिक के सर्फेस पर प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। हमारा
किसका, ए का हो गया सेकंड नंबर, और हमारा फिर बॉटेज ऑप्शन था, बॉटेज ऑप्शन 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 20%, तो बी का हो गया थर्ड नंबर, साउंडनेस, तो साउंडनेस, साउंडनेस का हो जाएगा शुड गिव क्लियर रिंगिंग साउंड, सी का हो जाएगा फोर्थ नंबर, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा प्रेसिंग द ब्रिक टिल इट ब्रेक, तुम्हारा ऐसा कौन सा, ए का सेकंड, ए का सेकंड किस में है, बी में है, सी में है, डी में भी है, तो फिर अगला देखेंगे बी का थर्ड, तो बी का थर्ड किस में है, तो बी का थर्ड बी में है और डी में है, फिर आगे देखेंगे सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ किस में है, तो सी का फोर्थ डी में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IAS 1077-1992 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रंट क्ले ब्रिक विथ क्लासेस डिजाइन डेस्टिग्नेशन 15 इंच, 15 डेस्टिग्नेशन है, तो ब्रंट क्ले ब्रिक का जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो कितना होना चाहिए, तो 15 न्यूटन पर mm², जितना रहता है क्लास उतना न्यूटन पर mm² होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिक, गिवन स्टेटमेंट को, गिवन स्टेटमेंट क्या है, ए में एल्यूमिना प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक, सही है, बी में है, एक्सेस इफ द एल्यूमिना प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर एल्यूमिना प्रेजेंट है एक्सेस क्वांटिटी में, रॉ ब्रिक्स एक्सपैंड एंड स्वेल ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, तुम्हारा दूसरा है जो गलत है, तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेटमेंट ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स, पहला सही है दूसरा गलत है। 51 द फेनोमेना इन विच क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट्स टू बी एडेड टू इट इज स्प्रेड आउट ऑन द टॉप एंड टर्न अप एंड डाउन इन ए वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज, तो ये इतना जो हमारा लैंग्वेज लिखा है इसका मतलब है हमारे जो इंग्रेडिएंट मिक्स कराते हैं ब्रिक अर्थ में तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके हम ब्लेंडिंग या नीडिंग कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक, अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए में क्या दिया है, अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक कैन बी यूज्ड ओनली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी एंड चीप स्ट्रक्चर, सेकंड में क्या दिया हुआ है, अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक शुड नॉट बी यूज्ड एट प्लेस एक्सपोज टू हैवी रेन्स, तुम्हारा दोनों ही सही है, जो हमारा अनबर्न्ड ब्रिक है उसका सिर्फ उपयोग किया था टेम्पररी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में ही, और जहाँ हैवी रेन होता है वहाँ हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं अनबर्न्ड ब्रिक का, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है, ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, थैंक यू। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर SSC JEE में ब्रिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने करा दिया है, इस चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराए जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएं तो आप तक पहुंच सके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।